अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अली फ्रॉम ब्रैडफोर्ड एकेडमी सांगर। तो आज हमारा जो टॉपिक है परसेंटेज का टॉपिक है, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो रिसेंटली टेस्ट हैं बीपीएस 5 to 15 के लिए, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो इंटरमीडिएट पे अभी टेस्ट आने वाला है इंशाल्लाह नियर टू दी हैंड है, इसी मंथ है 11 से लेकर 24 तक आई थिंक राउंड अबाउट। तो इसमें इम्पोर्टेंट है आर्मी नेवी फोर्स के लिए, तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल हम करते हैं, परसेंटेज का जो साइन होता है इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसको जब भी ख़त्म करना है तो डिवाइडेड बाय क्या करना है, 100। जब भी ये परसेंटेज के साइन को आप ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अभी एक सवाल है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, द नंबर हुज 20% इज 100 इज 20% इज 100 इज, कि भाई जो 20% है उसका मतलब 100 की 20% कितनी हुई। तो ऑप्शंस में हमें दिया हुआ है 400, 500, 600, 700। ये क्वेश्चन हम करेंगे तो इसकी इक्वेशन बनेगी, देखें मैं यहाँ कर रहा हूँ। 20% क्या था इज 100, 20% का हमने साइन ख़त्म कर दिया तो अपॉन में 100 लग गया, ठीक है। मल्टीप्लाई भी 100 करना है, इज इट क्लियर। मगर इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारे पास 20 आंसर आएगा, मगर इसको हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है हमने सारी उस साइड ले जानी है, ठीक है। 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये जो 20 है, इसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, अपॉन में 20 हो जाएगा। 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 500 आ जाएगा। तो 500 राइट आंसर। दूसरा सवाल परसेंटेज का ये है कि 500 ऑफ 1% के जो 500 की 1% कितनी निकली। सिंपल आपको मैंने बताया था कि डिवाइड बाय 100 है। जब भी किसी वैल्यू की 1% निकालो तो शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ ये, ठीक है, शॉर्टकट मेथड है। ये जो पॉइंट है इसको आपने क्या करना है, मैथ में कहती है यहाँ प्लस है, अपॉन में 1 है, और यहाँ पॉइंट है। जो पॉइंट आपने राउंड ऑफ करके यहाँ ले जाना है, 2 डिजिट मूव करना है। तो 5 इसकी 1% आई, 5000 की 10% कितनी आई। पहले हमने क्या किया था, जब भी किसी वैल्यू की हमने 1% निकालें तो 2 डिजिट मूव करने, जब भी किसी वैल्यू की 10% निकालें तो ये पॉइंट है, इसको 1 पॉइंट यानी कि राउंड ऑफ करना है। तो 500 इसकी 10% आ गई। 6000 की 20% कितनी आई, 10% पहले निकाल लेंगे, 10% इसकी कितनी आती है, 600 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1200 इसकी 20% आ गई। 70 की 60% कितनी आ गई, 0 को 0 से कट कर दें, ये शॉर्टकट मैथड बता रहा हूँ। जब भी इस तरह की वैल्यू आए तो 0 को 0 से कट कर दो, तो ये जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 42 इसकी परसेंटेज आ गई। अभी 10% ऑफ 800 की 10% कितनी निकलेगी। मैंने आपको पहले बताया कि ये पॉइंट राउंड ऑफ करना है, तो 80 इसकी 10% आ गई। 30 की 10% कितनी आई, 3 आ गई। 80 की 80% कितनी आई, 0 को 0 से कट कर दें, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें। सेम जी क्वेश्चन आ गया, इस तरह का क्वेश्चन आ गया, विद द नंबर हुज 70% ऑफ 51 इज, कौन सा नंबर है जिसका जिसकी परसेंटेज 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें से निकलेगी। सेम इसी तरह से करना है जैसे हमने पहले किया है। तो क्या करेंगे, हमारे पास नंबर क्या है, नंबर हमारे पास 51 है, परसेंटेज हमारे पास क्या है, 17 है। मालूम में आंसर करना है, एक्स फाइंड करना है, ठीक है, एक्स हमें फाइंड करना है। तो इक्वेशन बनाएंगे, इधर नीचे कर लेते हैं, क्या थी 70% थी, 70% डिवाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज का साइन ख़त्म कर दिया, और मल्टीप्लाई बाय क्या है 51। मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा, 51 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 70, 71 द 70, 74 द मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह होगा, 8 के नीचे 100 लग गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 64। अगर आप इसको करते हैं
रेसिप्रोकल इसको कर दें 64, ठीक है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई 100 को आपने क्या करना, ऊपर रखना है, 8 को इधर ले आए, 8 मन था 8, 88 था 64, 64 को आपने इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 800 आ गया। इसका आंसर ये निकला है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इट्स टू ईजी।